आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसी होती है पनडुब्बी में नाविकों की जिंदगी। हमारी देश की सेना जमीन, जल और आकाश सभी जगह से हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा चौकस रहती है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के कुछ सैनिक ऐसे भी हैं जो दिन रात जमीन या आसमान के बजाय समुद्र में हजारों फीट पानी के नीचे से देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। ये वो नाविक हैं जो पनडुब्बियों के अंदर कई कई महीने रहकर देश की सेवा करते हैं। दोस्तों, इन नाविकों की जिंदगी के बारे में जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। दोस्तों, नौ सैनिकों पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी दो लेवल्स पर होती है, एक पानी के ऊपर रहकर और दूसरा पानी के नीचे। दोस्तों, पानी के हजारों फीट नीचे देश की सुरक्षा के लिए नेवी के कुछ सैनिकों को पनडुब्बी या सबमरीन में तैनात किया जाता है। इस विशिष्ट सेवा के लिए सैनिकों का चयन अलग अलग डिवीजन से उनकी अपनी इच्छा, ट्रेनिंग और मेडिकल मानकों में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। सबमरीन में तैनात इन नौ सैनिकों का जीवन आसान नहीं होता। इनके परिवार वाले बताते हैं कि इनकी जिंदगी बड़ी कठिन होती है। जब वो किसी मिशन पर जाते हैं तो परिवार को ये भी पता नहीं होता कि वो कितने दिन के लिए कहाँ जा रहे हैं और कब वापस आएंगे। परिवार वालों को बस इतना पता होता है कि वो ड्यूटी पर जा रहे हैं, इससे ज्यादा और कोई जानकारी नहीं होती। जब वो पनडुब्बी के भीतर होते हैं तो नहाना तो दूर, उन्हें दाढ़ी बनाने का मौका भी नहीं मिलता। किसी भी देश के नौसैनिकों का सबसे घातक हथियार पनडुब्बियां ही माना जाता है। दोस्तों, सबमरीन या पनडुब्बी पानी के नीचे और ऊपर दोनों जगह चल सकती है। नाविकों का मुख्य काम पानी की गहराई मापना और दुश्मनों पर नजर रखना होता है। ये पनडुब्बियां मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियारों से भी लैस होती है, जो इन्हें दुश्मन जहाज के लिए घातक बनाती है। इसमें तैनात सैनिक किसी की नजर में आए बिना ही दुश्मनों के घर में घुसकर उसको तबाह कर वापस आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस समय ये सैनिक पनडुब्बी में तैनात होते हैं, उस दौरान इन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। किसी मिशन को अंजाम देने के लिए पनडुब्बी के साथ नौसैनिक जैसे ही समुद्र की हजारों फीट की गहराई में गोते लगाते हैं, वैसे ही उनका बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है। ऐसे मिशन एक महीने से लेकर छह महीने तक के हो सकते हैं। इस दौरान इनका अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं होता। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चारों ओर से पानी से घिरे रहने के बावजूद भी पनडुब्बी में सवार नौ सैनिक कई कई दिनों तक नहा नहीं पाते। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मिशन खत्म कर पानी से ऊपर आने के बाद ही इन सैनिकों को स्नान करना नसीब होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पनडुब्बी में हमेशा पानी की कमी होती है और हर नौ सैनिक को प्रतिदिन तीन से चार मग पानी ही मिलता है। इस पर तैनात सैनिकों को पहनने के लिए डिस्पोजेबल क्लोथ दिए जाते हैं, जिसे दो से तीन दिन के बाद उतार कर फेंक दिया जाता है। इन कपड़ों में एक खास तरह का केमिकल लगा होता है जो नौसैनिकों को बिना नहाए भी कीटाणुओं और बीमारियों से दूर रखता है। पनडुब्बी में सभी सैनिक एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हो या फिर साधारण सैनिक। पनडुब्बी में रह रहे सैनिकों को कई दिनों तक सूरज की रोशनी देखना भी नसीब नहीं होता। इसके चलते जब वो समुद्र की सतह पर आते हैं तो नौसैनिकों को हाथ पैर में जकड़न जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। इतना ही नहीं, नौसैनिकों को पनडुब्बी पर खाने की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। खाने के लिए इन्हें बिना तड़के की दाल, रोटी, चावल और बेहद कम मसालों वाली सादी सब्जी दी जाती है। खाने की चीजें ताज़ा नहीं होती बल्कि टिन पैक डब्बों में मिलती है। खाने का सामान भी सीमित मात्रा में होता है। खाना बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ज्यादा धुआं ना उठे, इसलिए खास तौर से सादा खाना बनाया जाता है। अगर मिशन निश्चित अवधि से ज्यादा समय तक चलता है तो उन्हें पनडुब्बी में उपलब्ध खाने से ही काम चलाना पड़ता है। पनडुब्बी जब भी समुद्र के अंदर जाती है तो उसके साथ डॉक्टर और प्राथमिक चिकित्सा का सामान साथ होता है, क्योंकि अगर किसी को उल्टी या चक्कर जैसी परेशानी होती है तो तुरंत इलाज किया जा सके। अंदर काफी सारे उपकरण लगे होने के कारण सोने की जगह बहुत ही कम होती है, इसलिए पनडुब्बी में नौसैनिकों की सोने की शिफ्ट लगाई जाती है। मिशन के दौरान सैनिकों को 5 से 6 घंटे सोने का समय मिलता है। पनडुब्बी में सोने के लिए आमने सामने दो कंपार्टमेंट होते हैं और वहाँ का तापमान बेहद गर्म होता है, इसलिए कभी कभी कुछ नौसैनिक वहाँ भी सोने जाते हैं। यहाँ मिसाइल और टारपीडो रखे होते हैं क्योंकि ये जगह पनडुब्बी की दूसरी जगहों के मुताबिक ज्यादा ठंडी होती है। अगर हम ये कहें कि भारतीय सेना की ये फौलाद दुनिया की सबसे खतरनाक नींद लेते हैं,
तो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आइए हम सब मिलकर इन वीर जवानों के जज्बे को सलाम करते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए कुछ सबसे मुश्किल हालातों में अपनी जिंदगी बिताने के लिए तैयार है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये आज की वीडियो बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि आपकी तरह ही दूसरे लोगों को भी नौसैनिकों की जिंदगी के बारे में पता चल सके। आज के लिए इतना ही, अब हमें इजाजत दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।